पहुंच गए हैं सैंड ड्यून्स में, और नीचे भी देखो सैंड ही सैंड है। गर्मी ज़रूर है पर ठीक है, फिर भी सहने लायक। सामने देखो सारे हैं, पूरे में सैंड है। पीछे जैसे देखा था बिल्कुल वहाँ ड्यून्स बने हुए हैं, सामने उस तरफ सामने ड्यून्स बने हुए हैं टोटली, जहाँ पर हम शाम को कैमल राइड वगैरह करेंगे, यहाँ हमारे कैंप हैं। तो अभी टूरिस्ट ज़्यादा है नहीं, फिर भी जब आने लगेंगे तो फिर आने लगेंगे। फिलहाल तो हम देखते हैं कैसे रूम्स मिल रहे हैं हमें। हम कैंपिंग कर रहे हैं ड्यून्स में, तो यहाँ खतरनाक वेदर हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे देखना, इतना खतरनाक वेदर हो रहा है, देख रहा है? ये सैंड स्टॉर्म है, जो वहां से देखो कोने से पता लग रहा है, वो देखो कोने से लेकर पता लग रहा है, पूरा तूफान आ रहा है, पूरा हवा तेज हो गई है, एकदम तूफान जबरदस्त, हवा तेज हो गई है। यहाँ देखो पीछे एकदम क्लियर है, पर यहाँ देखते हो देखो वहाँ से स्टार्ट है, पूरा देखो सामने दिख रहा है, ये देखो इधर देखना पड़ेगा। खतरनाक तूफान है, देखो वहाँ तक पहुँच गया बढ़ते बढ़ते, और इधर पूरे में कवर कर लिया उसने, पूरा कवर कर लिया, देखो ना ऊपर से पता लग रहा है, क्लियर पता लग रहा है, पक्षी अक्षी सब उड़ गए यहाँ से, पूरा देखना ऊपर देखो, बिल्कुल देख लो कलर का फर्क दिखेगा आपको, मिट्टी दिखेगी, वो देखो उधर से बढ़ता हुआ, देखो कितनी स्पीड में बढ़ रहा है, स्पीड देखो वहाँ। भयंकर तूफान के सामने फंस चुके हैं हम, अब हम पूरा तूफान, वो भाई आ गया, वो ये रहा, ये पत्थर, ये आगे चलो बैठेंगे नीचे, सामने आगे तूफान देखो, बिल्कुल सामने है, भयंकर तूफान है, जानवी जाओ अंदर बैठो तूफान आ गया, अब लग रहा है भागना पड़ेगा यहाँ से, बैठना पड़ेगा बच के, बहुत ही भयंकर तूफान है, भागना पड़ेगा, भागो भाई तूफान आ गया, भागो। बाहर तूफान जोर दोस्त, भाई बच गए हम, बस जान से बड़ी मुश्किल से बचे हैं, टोटल ऊपर देखो कैसा हो गया, तो बड़ी मुश्किल भाई तूफान से बच के आए हैं, ठीक है, रूम में घुसे, अभी भी शांत नहीं हुआ एकदम, ये देखो एकदम पूरा तूफान चल रहा है अभी भी, भाई के सर में बिल्कुल मिट्टी हो गई, अब इस बहाने में नहा लूंगा, इस बहाने भाई नहा लेगा आज कमाल हो गया, बहुत तेज तूफान था, आंखें भी नहीं खुल रही हैं, वहाँ मैंने चश्मा लगा रखा ना, नहीं तो इधर उधर गिर जाते हैं भागते हुए, तो इतनी तेज भागे हैं, आगे छोटू भाई स्वैग भाई पीछे भाई धूम धूम बहुत तेज था यार, हाँ इसकी नाकों में भी घुस गई है मिट्टी भाई, नाक के अंदर मिट्टी में चली गई, छोटा बच्चा बाहर क्या कर रहा है, चलो ए बेटा अंदर चलो,
क्या देखना है तूफान? देखो फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा भी, यहाँ आने का भी एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है, और आते ही देख लो कैसा स्वागत हुआ हमारा। देखो मिट्टियों से भरे कच्चे तक मिट्टी से भर गए भाई ये। भाई फटाफट से ये बंद हो जाए तो हमारी जो एक्टिविटीज हैं कैमल राइड वगैरह राइड वगैरह तो हो सके, नहीं तो सब कुछ ख़त्म, रूम के अंदर बंद रह जाएंगे। आंखें नहीं खुल रही थी, ऐसे खोलेगा नीचे कूद कूद के। तो चले कैमल राइड पे, तूफान हो थम चुका है बिल्कुल, तो अब आएगा मज़ा कैमल राइड का। हर चीज़ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हो जाता है। यहाँ पर आए थे, पहला एक्सपीरियंस था, रेगिस्तान में जा रहे हैं और तूफान देख लिया रेगिस्तान में आगे, ये भी पहला एक्सपीरियंस था। एक मेरे साथ बैठ जाओ, एक मम्मी के साथ बैठ जाओ। अरे ऊंट पे घोड़े चढ़ गए, गधे ना गधे नहीं बोल रहा है भाई, 100-200 एक्स्ट्रा ले ले। ये डबल सीट है, यही खड़े खड़े सेल्फ ले रहा है ये आगे भाई, सेल्फ ले रहा है यार, खड़े खड़े समझाओ यार इसे। ओ माय, डेमो देखते हैं कैसे चढ़ते हैं। ये देखो पहली सवारी 75 बार बैठने के बाद, दूसरी सवारी भैया एकदम झटके से भैया उठा। अबे इनका ऊंट के ऊपर आके लग रहा है जैसे सेकंड फ्लोर पे आ गए, बालकनी से आज सारा वीडियो बनेगा। अरे यही तो मजा है, ऐसे लग रहा है जैसे दुबई आ गए। पीछे के पीछे भैया सुपर हवाई जहाज है, हवाई जहाज भी नहीं। पीछे वाले कह रहे हैं कि सोनम गुप्ता बेवफा है। हाँ सोनम गुप्ता नहीं, विनोद मिल गया, विनोद मिल गया कहीं पहाड़ी में बता रहे हैं, विनोद मिल गया वहाँ सामने है, खूब सारे विनोद हैं वहाँ पर सामने। भाई इसका नाम भी विनोद है, मैं भी विनोद। ओ गाड़ी में चढ़, ऊपर चलते हैं पहले। स्माइल ब्रो, स्माइल ब्रो। ऐसे देखो। बड़ी देर हो गया इंजॉय, और मौसम खराब सा ही दिख रहा है। कैमल राइड अभी ख़त्म हुई है, तो अभी हम आए हैं दोबारा गेट पे अपनी कैंपिंग के। अच्छा। तो यहाँ होने वाला है स्वागत। अच्छा।
धुनो धुनो उड़ रे गुलहा ये नखरे वाली वो बगिया भी क्या है जिसमें माली ना हो, वो ससुराल भी क्या है जिसमें छोटी मोटी साली ना हो, दोस्तों फ्रॉम जैसलमेर। तो कल रात को रात बाकी व्लॉग नहीं बना पाए, अभी सुबह सुहाना मौसम है, बढ़िया मौसम है एकदम। और कल के दिन में यहाँ पर हमने सारे वेदर्स देख लिए। जब हम आए थे यहाँ धूप थी बहुत ज़्यादा, और उसके बाद आपने देखा सैंड स्टॉर्म आया, रात को थंडर स्टॉर्म आ गया, पूरी बारिश होती रही सारी रात। देखो रेत बिल्कुल प्रॉपर गीली हुई पड़ी है पूरी। तो सब कुछ देखा है, यहाँ पर अच्छी हवा चल रही है, इस टाइम एकदम ठंडी हवा चल रही है, अच्छी मॉर्निंग के साथ बात करने का मज़ा और आता है। मैं बता देता हूँ, जैसे ये कैंपिंग है, इस टाइम अगर आप आते हैं तो ये कैंपिंग मैक्सिमम आपको 1200 से 1500 रुपए पर हेड पड़ेगी, जिसमें आपको कैमल राइड वगैरह मिल जाएगी, जीप राइड वगैरह मिल जाएगी। और जीप राइड हमने तो करी नहीं क्योंकि हम कैमल पे ही 2 घंटे बिता के आए थे। बाकी आपको मिलेगा यहाँ पर डिनर मिल जाएगा, कल्चरल प्रोग्राम होगा और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट जो अभी हम करने जा रहे हैं। खाना ठीक था तो ओवरऑल एकदम बढ़िया टूर था। आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे लाइक करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कुछ और पूछना है यहाँ के बारे में, इस वक्त क्या चल रहे हैं हालात और कैसे आ सकते हैं, तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं करता हूँ ब्रेकफास्ट और इसके बाद मिलते हैं आपसे। अभी ये ब्लॉग हम कंटिन्यू नाश्ता करते करते ना एक बात याद आ गई है इसकी, रात को गोप्रो उठा गई, गोप्रो पकड़ा गई ऐसे में, तो ये ब्लॉगर बन गया। बातें कैसी कर रहा था, नहीं बातें कैसी कर रहा था, ये तो कुछ ब्लॉगर बन गया। रात को बातें कैसी कर रहा है कि मिट्टी खुशबू आ रही है, मिट्टी खुशबू फेफड़ों तक जा रही है, कौन से फेफड़ों तक चलेगी मिट्टी, अगर फेफड़ों तक चलेगी ना मज़ा आ जाएगा। आ रही थी खुशबू, तभी ये मिट्टी में घुस गया भाई, गीली में से सूखी मिट्टी निकाल रहा अंदर, तभी से बुखार है, चप्पल मारूंगी। कह रहा सूखी मिट्टी कहाँ है भाई। परौठा वरौठा ठीक है, नखरे बहुत हैं इनके सबके, सब कहते हैं कि रास्ते में जाग करेंगे। तो अपना ब्रेकफास्ट तो फिनिश है, बकबक इनकी चलती रहेगी सारा दिन। रेडी होते हैं फटाफट और निकलते हैं दिल्ली के लिए, कूच करें फटाफट। तो सब रेडी हो गए हैं चलने के लिए, अब सामान रख दिया गाड़ी के अंदर, साथ में हमारे अमेजिंग जीप खड़ी है रैंगलर। तो चलने का टाइम हो गया है भाई, तो मौसम देख लो इतना गजब मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है इस टाइम भी, और ऐसा अल्टीमेट मौसम हो रहा है। ये देखो हायाबूसा आ रही है, अल्टीमेट मौसम को छोड़ने का मन नहीं है, पर फिर भी जाना पड़ेगा, काम भी ज़रूरी है, ब्लॉगिंग भी ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है। पर मौसम देखो कितना अल्टीमेट हो रहा है, कितना अल्टीमेट है मौसम, कैसे बादल चल रहे हैं एकदम,
ऐसा लग नहीं रहा कि रेगिस्तान में हम लोग। यो स्वैग ब्रो, सच में यहाँ पर अगर ऐसा मौसम रहे तो दो तीन दिन तो आराम से रह सकता बंदा आराम। इस टाइम होटल्स भी लेंगे, अगर आप आते हैं घूमने जैसलमेर वगैरह तो होटल्स भी लेंगे, तो होटल्स ऑनलाइन बुक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ के ले लीजिए, इजीली हो जाता है। हमने होटल ऑनलाइन बुकिंग करी थी पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो जोधपुर और जैसलमेर की सीरीज़ कैसी लगी आपको, कैसे लगे वीडियोज़ अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करते रहना, वहाँ पर मैं अपने प्लान्स अपडेट करता रहता हूँ और फोटोज़ भी अपलोड हैं, आप जाके देखिए इतने अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ हैं। कल हम 2 घंटे बैठे हैं कैमल पे, बहुत ही मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, अमेजिंग था। और एक्चुअली इस टाइम पे ना कोई टूरिस्ट है, इस टाइम बहुत कम टूरिस्ट है, हमारे साथ भी एक दिल्ली से कोई, अभी रात को हम जा रुके हैं कैंप में, वहाँ दिल्ली से कोई आए हुए थे तो वो थे और हम थे, बाकी यहाँ मुझे लोकल लग रहे थे जो भी आए हुए थे कैंपिंग के लिए। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है, इसी तरह आपका प्यार मिलता रहेगा, हम जगहें एक्सप्लोर करते रहेंगे, मज़ा आता रहेगा। बस जोधपुर का थोड़ा सा था कि जोधपुर में कुछ भी ओपन नहीं था तो इतना कुछ खास दिखा नहीं पाए हम। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक बाय बाय।